ये देखें जी, माशाल्लाह से चेक करें, खूबसूरती चेक करें इसकी, और ये पाँव पे हेयर्स चेक करें। अब ऐसे ऐसे होने लग गया, मैंने कहा देखते हैं कहाँ जाता है, आता है वापस नहीं आता। दो तीन चक्कर लगाए, ये सामने पीछे बिल्डिंग है, वहाँ पे सुराग से आवाज़ आ रही है, इस दीवार के उस साइड पे है, उसको लगा है कि यहाँ पे ख़तरा है, तो वो बाइक से भौंकना स्टार्ट हो गई है। अभी आती है तो आपको दिखाते हैं। तो कुदरती मोबाइल भी नहीं था, और एक दफ़ा ही मैं भी पता कि मदर उसकी आ रही है, बाइक से आवाज़ें दे रही थी, ये आ चुकी है, उसको ख़तरा महसूस हुआ। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज बड़ी मज़ेदार एक वीडियो बनने लगी थी, लेकिन बनती बनती रह चुकी है। क्यों रह गई है? हुआ कुछ ऐसे, मोबाइल मेरा घर था, ज़रा चार्जिंग पे लगा हुआ था, और मैं ज़रा डेली रूटीन के हिसाब से ईगल को प्रैक्टिस करवाने लग गया बोल के, लेकिन हाथ पे आते आते चौधरी साहब चढ़ गए ऊपर, और दिल ऐसे ऐसे होने लग गया। मैंने कहा देखते हैं कहाँ जाता है, आता है वापस नहीं आता। दो तीन चक्कर लगाए, ये सामने पीछे बिल्डिंग है, वहाँ पर बैठा, वहाँ से उड़ा, फिर दो चक्कर लगाए, ये छतरी पर बैठता बैठता वो ऊपर बिल्डिंग पर बैठ गया, वो सामने, वहाँ से जाके फिर जिस तरह कबूतर को दाव लगा दे, क्योंकि पाँव में इसकी रस्सी थी, रस्सी लटकी हुई थी, तो पकड़ ली, बस एक टेंशन अचानक से आ गई कि जल्दी से उड़ के इसको पकड़ें, और दूसरी बस मोबाइल घर था तो वीडियो बनाने का मज़ा बहुत आना था, बस रह गई। कभी कभी ऐसे सीन हो जाते हैं, और लेकिन वो कवरेज नहीं हो पाती, तो फिर कभी ऐसा सीन बना तो दिखाएँगे। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आपको दिखाते हैं नई चीज़ें, ठीक है। ये हमारे जो पपी थे बुली गुलटेर के, मोस्टली कह लें बुली हैं, तो इनकी एक बहन थी वो जा चुकी है एक दोस्त के पास गिफ्ट, और ये जो ब्लैक, ये सिंध चले जाएगा, सिंध कराची ब्लैक मेल, और ये जो मेल शहजादा है ना, ये हम रखेंगे इसको, चीता कलर भी कुछ लोग बोलते हैं, शीना भी बोलते हैं, हम तो शीना बोलते हैं, वैसे चीता भी इसको बोला जाता है, टाइगर की तरह देखे लाइनिंग होती है, टाइगर कलर बोल लें। तो ये जो हमारे पास इधर रहेगा वेली में, और वो चला जाएगा कराची, बंदे आ रहे हैं और उनके हैंडओवर कर दिया जाएगा माशाल्लाह से, रखवाली के लिए, लड़ाई के लिए, दोनों ही ज़बरदस्त हैं, कड़वे हैं, आपको महसूस हो रहा होगा। ये देखें, ये देखें, अभी बच्चे हैं और बच्चों की ये हालात हैं, और जब बड़े हो गए तो इनका क्या सीन बनना है, ये आप खुद देख लें कितने अग्रेसिव हैं, और ये चेक करें, ब्लैक कोबरा और टाइगर, नाम दोनों के अच्छे हैं, लेकिन रहेंगे नहीं हमारे पास, चला जाएगा। माँ ही नहीं बोल दी पीछे, आप ही बोल दे। ये देखें, बहुत ही जनाब, माँ ही हमें लगता, बाहर इनकी मदर बोल रही है, यहाँ से सुराग से आवाज़ आ रही है, इस दीवार के उस साइड पे है, उसको लगा है कि यहाँ पे ख़तरा है, तो वो बाइक से भौंकना स्टार्ट हो गई है, अभी आती है तो आपको दिखाते हैं। तो ये दोनों ही शायद यहाँ से भागती हुई आए, कंफर्म नहीं है, और तितर यार बाकी भी छड़ी है इनके बेच ना, सिस्टम लाइए पर मारते हैं तितर ने, दो बाकी जो दो पैर क्यों नहीं छोड़ रहे, ये केज उन्हीं के लिए, ये दो जो खाली पड़े हैं वो भी खाली हो जाना, एक बच्चा चले जाएगा जब दूसरा जो बड़े वाला थोड़ा सा बड़ा हो गया, कि बाहर अभी इसको बाहर इसलिए नहीं निकाल रहे क्योंकि आपको पता है कि सारा इधर भैंसे शैंसे हैं, और डर यही रहता है कि किसी भैंस के पाँव के नीचे ना आ जाए, तो अक्सर औकात इस तरह के बच्चे नीचे आ जाते हैं, तो फिर बंदे को बड़ा दुख होता है, तो इस वजह से अंदर ही है। अब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है कि अपना देखभाल कर ले थोड़ी सी, क्योंकि हवेली खुली है, टेंशन यहाँ पर ना चोरी होने की है ना भाग भगाने की है, तो जगह खुली डुली है, लेकिन मसला है कि अभी छोटा है एज के लिहाज से, तो पाँव के नीचे ना यहाँ पे जानवरों के आ जाए। ये देखें, वही मैं कह रहा था कि मदर उसकी आ रही है, बाहर से आवाज़ें दे रही थी, ये आ चुकी है, उसको ख़तरा महसूस हुआ कि पता नहीं उसके बच्चों के साथ कौन छेड़ा छाड़ी कर रहे हैं, और वो बाहर से भौंकना स्टार्ट हुई है, और बाहर से आप देखें वो सीधी उसने ब्रेक अपने बच्चों के पास लगाई है, पहुँच चुकी है। जो बच्ची थी ना वो सेम अपनी माँ के ऊपर गई थी, लो आ जा, इधर आ जा, आ जा बाहर, आ जा, आ जा, आ जा, ये देखें। और इनका बात कर रहा था मैं क्यों नहीं लगा रहे, इसका ये है कि ये मेरा जोड़ा लग चुका है, बाकी जो दो तितरों के जोड़े हैं ना वो मेल फीमेल लोगों को बड़ा मारते हैं, अग्रेसिव हैं, दो दफ़ा जोड़ा छोड़ा है आपस में, जोड़ा नहीं लग रहे दोनों जोड़े, जो मेल है दोनों वो मादियों के साथ, तो वो जोड़ा नहीं लग रहा है, जिस वजह से ये दोनों केज खाली हैं अभी तक, यहाँ पर शिफ्टिंग नहीं हो पा रही है, और टर्कीज़ को फिर आज बंद ही किया होगा क्योंकि मसले मसाइल खड़े करते हैं यहाँ पे। फिर मुर्गियों की क्या कंडीशन है, दो ही मुर्गियाँ गालबन बैठी हैं, एक ये अंडों पे बैठी हुई है, एक इसके साथ ही ये वाइट बैठी हुई है,
दो मुर्गियां ये अंडों पे बिठाई हैं, तो देखते हैं। उम्मीद है 15 एक दिन के अंदर अंदर 15 डेज में या शायद कम डेज में ही इनके बच्चे निकल आए। बछेरी भी माशाल्लाह सेट जा रही है, माँ ही इनकी थोड़ी जा रही डाउन। तो ये देखें डक्स, डक्स भी इधर फिर रही होंगी अंडे माशाल्लाह से अच्छे खासे स्टार्ट कर दिए हमारे डक्स ने। आज आपको ना थोड़ी सी फ्रिल की ट्रेनिंग दिखाते हैं, फ्रिल की। अभी फ्रिल को बाहर निकालेंगे और इसके साथ साथ जो सन कनॉर्स हैं अगर किसी को चाहिए होंगे मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे पास नए आ जाने, और वरना मेरा मूड है इनको करवाएंगे फ्री फ्लाइट। तो अभी माशाल्लाह से चलने फिरने के काबिल हो गए हैं, तकरीबन नियर टू कवर हो चुके हैं, विंग्स इनके काफ़ी हद तक आ चुके, लेकिन कभी फ्लाई नहीं कर सकते। और बहुत जल्द कह लें कि 15-20 दिन वैसे लग जाने इनको फ्लाई पे आने पे, तो इंशाल्लाह तब तक इनको कोशिश करेंगे अगर फ्लाई टेम हो गए, वरना टेम तो होंगे लेकिन फ्लाई टेमिंग की इनकी कोशिश करेंगे। यहाँ पे जो हमारे ये ईगल साहब हैं, तो कुदरती मोबाइल भी नहीं था, और एक दफ़ा ही मैं भी टेंशन में आ गया, मैंने कहा जल्दी से पकड़ो व्लॉग, याद आया था बीच में जब था, मैंने कहा वीडियो बन जाए, लेकिन फिर मोबाइल नहीं था ना, आईफोन कर रख के आया हुआ था चार्जिंग पे, तो इसको फिर पकड़ लिया और दोबारा बांधा है। अभी इसकी ट्रेनिंग रहती है, थोड़ा सा ड्रामा करता है, लेकिन ड्रामा इसका ये है कि भागा नहीं है, चक्कर दो एक लगाए हैं। पहले बैठने लगा था वो छतरी के ऊपर, जो ऊपर कबूतर बंधे हैं वहाँ पर नहीं बैठा, फिर वो ऊपर बैठ गया था जाके, तो उसके बाद फिर इसको मैं पकड़ लाया था। ये देखें जी, ये काफ़ी कमज़ोर है, मरती मरती बची है, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। ये हमारे फ्रिल के चिक्स हैं और सारे चिक्स ही आने को बेताब हैं। फ्रिल की आज आपको थोड़ी सी एक्टिंग दिखाता हूँ। ये देखें तू नामी चौधरी बाहर, माशाल्लाह। जैसा कि आपको बताया था, ये फ्रिल की अपनी खूबसूरती, पैरों पे बाल चेक करें, शोल्डर का कलर चेक करें, और सर के ऊपर ताज चेक करें, साथ फ्रिल यानी कर्ली हेयर्स हैं इनके वो भी चेक करें। यहाँ पे बैठो एक दफ़ा, अब फिर बुलाते हैं। ये देख शहजादा लगा है, शहजादा। तो दोनों शहजादे रेडी हैं माशाल्लाह, ये 6 के 6 चिक्स ही रेडी हैं, फ्लाई पे आ चुके हैं। एक फ्रिल का ये पीस है, एक ये पीस है, इधर बैठ जा यार एक दफ़ा, यहाँ पे बैठ, मेरा एक हाथ है यहाँ पे। ये देखें ये फ्रिल भी बैक पे आया, ये देखें, आजा आजा, ये देखें जी माशाल्लाह से चेक करें, खूबसूरती चेक करें इसकी, और ये पाँव पे हेयर चेक करें। अभी थोड़े थोड़े टूटे हैं, तंग केज में रहने की वजह से ना थोड़े से ये उछलते कूदते रहते हैं, तो इनके पाँव के बाल थोड़े थोड़े एंड से डैमेज है, लेकिन फिर भी माशाल्लाह से खूबसूरती चेक करें इन शहजादों की, और ट्रेनिंग चेक करें। अभी तक बाइक शाइक पर कोई भी रेडी नहीं है, सच्ची बताऊँ तो अभी जस्ट यही हवेली की हद तक इसको लेके गए, इधर बैठ ही यार। ये देखिए ये आएगा अभी, ये देखिए माशाल्लाह। तो कल की वीडियो में आपको फ्रिल की वीडियो नहीं दिखाई थी, तो आज फ्रिल भी देख लें। हालांकि कितने पिजन्स आई हैं देखें, हवेली में सारा दिन पिजन्स रहते हैं, लेकिन फिर भी सारे चिक्स का तवज्जा जो है ना हमारी तरफ ही है। ये देखिए यार इनको मैं खिला लेता हूँ, बाकी आपसे कल शेयरिंग होगी, थोड़ी सी टाइम भी लेट है, मुझे कॉल आनी स्टार्ट हो गई है, तो इनको एक दफ़ा मैं बंद कर लूँ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।